हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज इस वीडियो में क्लास 11th केमिस्ट्री हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर 2023-24 का लेकर आए हैं। तो आज इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 1-10 विषय रसायन विज्ञान का मॉडल पेपर आपका लेकर आए हैं, जिसमें हम आपके सभी क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये आपके एग्ज़ाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो एक एक करके आपको सभी क्वेश्चन को देखना है, उसे अच्छे से सॉल्व करना है, जिससे आप भी अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। साथ में एनुअल एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, इससे एनुअल एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। साथ में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यौगिक का गलनांक न्यूनतम है। तो निम्न में से कौन यौगिक का गलनांक न्यूनतम है, तो Ca(I)2 का गलनांक न्यूनतम है। क्या है? Ca(I)2 का गलनांक न्यूनतम है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका करेक्ट होगा वो आपका फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, Ca(I)2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा आता है, 3 मोलर NaCl विलयन का घनत्व आपको दिया गया है 1.25 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। विलयन की मोललता होगी, तो विलयन की मोललता कितनी होगी, 2.79 मोलर होगी। कितनी होगी? 2.79 मोलर होगी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, 2.79। इसके बाद एक एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले कण का संवेग होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले कण का संवेग क्या होता है? कण का संवेग होता है 6.625 × 10⁻²⁰। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका जो फोर्थ वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो किस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो किस में नहीं है, O2-2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। किस में है? O2-2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये वाला हो जाएगा, O2-2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन गहन गुण नहीं है। इसमें आपको गहन गुण पहचानना है, ताप, दाब, घनत्व, एंथैल्पी। तो इसमें कौन सा गहन गुण नहीं है, जिसमें जो आपका एंथैल्पी है वो गहन गुण नहीं है। क्या है? एंथैल्पी जो है वो गहन गुण नहीं है। तो आंसर यहाँ पर आपका जो फोर्थ वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चुम्बकीय क्वांटम संख्या बताती है। तो चुम्बकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है, तो चुम्बकीय जो क्वांटम संख्या है वो क्या बताती है, वो बताती है कक्षकों का अभिविन्यास। क्या बताती है? कक्षकों का अभिविन्यास बताती है। तो चुम्बकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है? कक्षकों का अभिविन्यास बताती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर दूसरे का, इसमें आपके दो दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के IUPAC एवं संकेत लिखिए, यानी कि आपको 109, 104, 117, 125 के IUPAC आपको नाम लिखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा का खा आ जाता है, जिसमें आपको हुंड के नियम का उदाहरण सहित आपको वर्णन करना है। क्या है? हुंड के नियम का उदाहरण सहित आपको लिखना है। इसके बाद आता है घा क्वेश्चन, निम्नलिखित का लुईस बिंदु संरचना एवं बंधन सूत्र लिखिए। तो निम्नलिखित का आपको लुईस बिंदु संरचना एवं बंधन सूत्र लिखना है। तो इसके लिए बंधन सूत्र क्या होगा? इसके लिए होगा NH4Cl यहाँ पर, और ये NH3। तो इसका आपको क्या रखना है? बिंदु संरचना और बंधन सूत्र लिखना है। इसके बाद घा क्वेश्चन आ जाता है हमारा, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या है, इसकी गणितीय रूप का व्यंजक लिखिए। तो यहाँ पर ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या है और इसकी गणितीय रूप का व्यंजक लिखिए। तो इनमें से आपको कोई एक ऑप्शन आपका करना है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का क्वेश्चन आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे के का में आपसे क्या पूछा, व्युत्क्रम अनुपात के नियम को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आ जाता है, 14.9 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको पोटेशियम 39, क्लोरीन 35.5 दी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैनेडियम Z=23 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वैनेडियम Z23 के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात करना है। इसके बाद इसी का घा प्रश्न आ जाता है आपका, तीसरे का घा प्रश्न में, ZNO, Na2O, P2O5 तथा MgO कोन के बढ़ते हुए अम्लीय लक्षण के क्रम में लिखिए। तो इसे आपको बढ़ते हुए अम्लीय क्रम के लक्षण में लिखना है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथे का क आ जाता है, जो अब आपके तीन तीन नंबर के प्रश्न होंगे। कितने नंबर के होंगे? तीन तीन नंबर के प्रश्न होंगे। इसमें आपका पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन बंध क्या है ये समझाइए। समझाइए कि एचएफ की क्वथनांक एचसीएल की क्वथनांक से ऊंचा क्यों होता है। तो ये क्वेश्चन जो आपको हर परीक्षा में हर बार देखने को मिलेगा, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एनुअल में भी देखने को मिल सकता है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से ज़रूर तैयार कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल आ जाता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड स्थिर दाब पर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की दहन ऊष्मा है -246.6 किलो कैलोरी। SO2 की दहन ऊष्मा स्थिर आयतन पर ज्ञात कीजिए। तो ये आपका तीन नंबर में सवाल, आपको ये सॉल्व करना है। इसके बाद है मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण एवं दोष लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी या फिर आवर्त सारणी से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है तीन या चार नंबर में। तो ये आप क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेंगे, कौन सा मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण एवं दोष लिखिए या फिर मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम लिखिए, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद घा क्वेश्चन आ जाता है, जल के 18 मिलीलीटर में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। क्या है? 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 का है, बंद कोटि से क्या तात्पर्य है, निम्नलिखित बंद कोटि ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर अब 4 नंबर में है, तो आपको 4 नंबर जैसा ही लिखना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले पूछा गया है बंद कोटि क्या है, तो आप सबसे पहले डालिए बंद कोटि हेडिंग। इसके बाद बंद कोटि लिखने, इसके बाद लिखना है निम्नलिखित बंद कोटि ज्ञात कीजिए। इसके बाद नीचे जो आपको दिए गए हैं तीन, इनकी O2 की, इनकी तीनों की आपको बंद कोटि ज्ञात करनी, क्या करनी है? बंद कोटि ज्ञात करनी है, बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करना है। इसके बाद आता है हेस के नियम को उदाहरण सहित लिखिए, इनके दो अनुप्रयोग भी समझाइए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको हेस का नियम लिखना है और उसका उदाहरण सहित लिखना है। इसके बाद इसके दो अनुप्रयोग लिखने हैं, यानी कि दो नंबर को आपको नियम का उदाहरण सहित हो जाता है और दो नंबर इसके अनुप्रयोग के हो जाते हैं। तो इस प्रकार टोटल आपके 4 नंबर हो जाते हैं। कितने? 4 नंबर आपके हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनन विभव क्या है, मैग्नीशियम का प्रथम आयनन विभव एल्यूमिनियम से अधिक होता है क्यों, स्पष्ट कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखेंगे। आयन विभव क्या है, मैग्नीशियम का प्रथम आयन विभव एल्यूमिनियम से अधिक होता है क्यों, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं, तो एक कण की स्थिति क्या दी, एक कण की स्थिति और वेग की अनिश्चितता का मान आपको दिया गया 10^-10 मीटर और दूसरा दिया गया 5.27×10^-24 मीटर प्रति सेकेंड है। तो गतिशील कण का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आंसर आपका जो इसका कितने नंबर में है, 4 नंबर में है, तो ये आपका न्यूमेरिकल है, तो ये आपको अनिश्चितता के सिद्धांत वाला सूत्र इसमें आपको लगा के सॉल्व करना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आ जाते हैं, अब आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। कितने नंबर के? 5-5 नंबर के क्वेश्चन, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन आ जाता है, वेस्पर यानी कि VSEPR सिद्धांत क्या है, इसके आधार पर CH4NH3 और H2O की ज्यामिति विवेचना कीजिए। तो इनमें दोनों में से आपको कोई एक करनी, क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है आपको हमेशा 5 नंबर में मिलेगा और ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार एनुअल में या अर्धवार्षिक परीक्षा सभी में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये प्रश्न आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद इसी का खा में आपको दिया कि क्वांटम संख्या से क्या तात्पर्य है, यह कितने प्रकार का होता है, वर्णन कीजिए। तो ये आपके 2 हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहला है अनुनाद क्या होता है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, फॉर्मल आवेश क्या है, सीमांत अभिकर्मक क्या है, ऊष्मा गति का दूसरा नियम लिखिए। इसमें अनुनाद, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, फॉर्मल आवेश, सीमांत अभिकर्मक, ऊष्मा गति का द्वितीय नियम, फिर में आपको पूरे 5 के 5 करने हैं और आपको 5 नंबर मिलेंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर की आपकी प्रत्येक व्याख्या है। इसके बाद जालक ऊर्जा क्या है, बॉर्न हेवर चक्र को उदाहरण सहित लिखिए। तो ये आपका हो जाता है जालक ऊर्जा क्या है और बॉर्न हेवर चक्र को उदाहरण सहित लिखिए, आपको ये लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार जो आपको क्लास 11 का केमिस्ट्री का मॉडल पेपर हमने आपको दिखा दिया है, किस टाइप का आप क्वेश्चन में पूछा जाता है मॉडल पेपर में। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो क्वेश्चन पसंद आए हो, तो आप चैनल कर लेंगे सब्सक्राइब, क्योंकि आपको यहाँ पर सभी मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम के लिए मिल जाएंगे। आपको ओनली सर्च करना है, जो भी मॉडल पेपर चाहिए उसके पीछे हिंदुस्तान ऑयल लिख दीजिए, आपको पूरे पेपर मिल जाएंगे।
तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।